ये हैं इस देश के भविष्य। इसमें से बड़े होकर कोई राष्ट्रपति कलाम बन सकते थे, कोई चंद्रशेखर आज़ाद, तो कोई मुंशी प्रेमचंद बन सकते थे। लेकिन उस बनने की संभावना को यहाँ पे सरकार ने और पंचायती राज के मुखिया ने पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया है। ये जो पीछे ईंट से बनी हुई आप छोटा सा ढांचा देख रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने बनाया है ताकि यहाँ पर एक जगह बैठकर बच्चे कम से कम पढ़ाई कर सकें। इस पूरे वार्ड में यहाँ पर आंगनबाड़ी मौजूद ही नहीं है, जिससे यहाँ के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिल ही नहीं पाती है। नहीं है सरकारी, अपना रुआथी लेके ईटा गिरा के वो बनाया है। खाना बनता है देखो यहाँ पर है चूल्हा, मेघ पड़ता तो बच्चन कुल एकदम अथी करता कि अंदर में पानी जाता तो कुल बच्चा तीत जाता है। तकलीफ होता है पढ़ाने में, तकलीफ होता है, इतना अथी करता है, सब कुछ में दिक्कत पड़ता है। भारत में घोटालों की परंपरा काफ़ी पुरानी रही है। ऐसा नहीं है कि जो घोटाले हैं वो ऊपरे स्तर पर ही सिर्फ होता है, बल्कि उसकी शुरुआत जो है वो हमारे पंचायत, हमारे गांव से ही होती है। आप इस वीडियो में जो सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर कायदे से पीसीसी होना था। आंकड़ों के मुताबिक 1,00,000 रुपए ग्राम पंचायत को आवंटित किए गए कि यहाँ पर पीसीसी कराया जाए, लेकिन अभी तक यहाँ पर पीसीसी नहीं हुआ है, जिसके वजह से यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गली का स्थिति इतना मतलब जर्जर है कि हम लोग सही से चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। बारिश होता है तो गली में करीब एक एक ठेवना पानी हो जाता है, और आप सामने देख सकते हैं कि कैसा हम लोग का स्थिति है। पूरा गांव मोहल्ला में कोई भी नहीं घुस सकता है, ऐसा हम लोग का स्थिति है। बहुत डेंजर स्थिति है, हम लोग बोल नहीं सकते सही से। कोई पीसीसी कुछ नहीं हुआ हमारे गाँव में, रोड नहीं है, पढ़ने जाते हैं साइकिल कंधा पर टांग के ले जाते हैं, रोड पर पार करते हैं तब पढ़ने जाते हैं। क्या करा उसमें मुखिया की शिकायत करिए, कुल तो मुखिया सरपंच को मिल जाए। क्या मांग चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? देखो हमारा सड़का बन गया यार, ठीक है रास्ता है। अभी इस वीडियो में आप जो सड़क देख रहे हैं, कायदे से इसकी पीसीसी हो जानी थी, और जो आंकड़े हैं सरकारी आंकड़े पंचायती राज मंत्रालय के, उसके अनुसार ग्राम पंचायत विमान को 1,00,000 रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है, तो ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? और इस तरीके से यहाँ पे कई राशियाँ जो हैं वो लगभग 95,00,000 की राशि आवंटित की जा चुकी है आंकड़ों के मुताबिक, और अभी तक यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। अधिकांश काम जो है वो सड़क की, गली की पीसीसी और ढलाई के नाम पे हुई है। सबसे ज़्यादा जो पैसे आवंटित किए गए हैं, जो आंकड़े कहते हैं, वो है 11,30,000 रुपये का स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए, लेकिन इस पूरे पंचायत में एक स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। बच्चों को सही पोषाहार मिले और प्रारंभिक शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार ने आंगनबाड़ी की व्यवस्था तो की है, लेकिन बिहार में आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है ये आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। पानी में डूबा ये जो गिरा हुआ एक मकान है, इमारत जो है, ये यहाँ का, इस गांव का आंगनबाड़ी केंद्र है। आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो कहाँ चलता है? घर में चलता है। केंद्र में आप क्यों नहीं चलाती? केंद्र का जगह है लेकिन क्षतिग्रस्त है, इसमें कुछ भी नहीं है, उपलब्ध है ही नहीं। तो इसे लेकर क्या आपने कभी किसी को कोई शिकायत की, कोई अधिकारी ने कोई संज्ञान में लिया? जी सर। तो क्या प्रोसेस हुआ उसका, मतलब क्या प्रक्रिया हुई? अभी तो शुरू नहीं हुई, हम लोग का तो रास्ता भी नहीं है सर, मतलब इधर से मतलब हो जाता और पानी भर जाता है, और इधर भी हो जाता तो मतलब मेन रास्ता में भी दिक्कत हो जाती है। तो क्या आपके स्कूल में मरम्मतीकरण का काम अरियरी पंचायत के मुखिया के द्वारा कराया गया है? नहीं। क्या आपके स्कूल में मरम्मतीकरण का काम हुआ है? मरम्मती काम हुआ है तो मेरे द्वारा हुआ है। किसके फंड से वो मरम्मतीकरण? विद्यालय के फंड आता है ना, उससे मरम्मती करेंगे, मुखिया के फंड से नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विमान पंचायत के मुखिया के द्वारा 1,00,000 रुपए में इस स्कूल का मरम्मतीकरण हुआ है,
क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है? नहीं, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ये है विमान पंचायत का वार्ड नंबर 11। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वार्ड में एक सामुदायिक भवन बन के तैयार है और लोग उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब वार्ड नंबर 11 में हम लोग पूरे वार्ड में घूमे और यहाँ पर सामुदायिक भवन की एक ईंट भी मौजूद नहीं है, यानी सामुदायिक भवन सिर्फ कागज़ों पर बनकर तैयार हुआ है। क्या आपके गांव में, आपके वार्ड नंबर 11 में सामुदायिक भवन बना हुआ है? नहीं। तो इससे आपको क्या क्या दिक्कत होती है? बार बार बाराती आता है तो बैठने में बहुत दिक्कत, उठने बैठने में घर में बैठाता है, तब वो है जो दूसरा वार्ड में है तो हम लोग के बैठने नहीं देता है। क्यों नहीं बैठने देता? अर्जन के वजह से बैठने नहीं देता है। कौन नहीं बैठने देता? वही सवाल। क्या बोला जाता है? वहाँ बोला जाता है कि तुम लोग के यहाँ नहीं है पर समुदाय भवन बनवाइए अपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खुले में शौच मुक्त यानी ODF घोषित किए कई ज़माना बीत गया। हालांकि ज़मीनी हकीकत कुछ और है, जो आपने हमारे पहले के वीडियो में भी देखा है। ग्राम पंचायत विमान में भी एक सामुदायिक शौचालय बनना था। आंकड़ों के मुताबिक अगर आप ई ग्राम स्वराज, जो कि पंचायती राज भारत सरकार की ही एक वेबसाइट और ऐप है, अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि कागज़ों पर यहाँ पे तो शौचालय बनना था, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी शौचालय जो है वो नहीं बना है। आपके गांव में शौचालय बना हुआ है? नहीं। तो आप लोग शौच के लिए कहाँ जाते हैं? खेत में जाते हैं। शौचालय बनाता तो देखते नहीं, इधर है जगह, इधर है थोड़ा सा जगह है, तो यहीं पर नहीं होता शौचालय जब बना होता। स्कूल की मरम्मतीकरण और खेल सामग्री से संबंधित जो ई ग्राम स्वराज पर आंकड़े दिए गए हैं, उसको सत्यापित करने के लिए हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और सर्व शिक्षा अभियान के DPO से भी मुलाकात की। प्रिंसिपल की तरह उन्होंने भी ये साफ तौर पर से कह दिया कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई भी पैसे आवंटित नहीं किए गए हैं, उनके जानकारी में ये पूरा मामला है ही नहीं। अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से शेखपुरा के अरियरी प्रखंड के विमान पंचायत में ज़मीनी स्तर पर जो काम होने थे वो काम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। अब ये काम क्यों नहीं हुए, ये जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने विमान पंचायत के मुखिया से कई बार संपर्क करने की कोशिश की। पहले उन्होंने ये कहा कि मैं व्यस्तता के कारण इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ। बाद में उन्होंने लगातार अपने कई समर्थकों के ज़रिए और ख़ुद उनके नंबर से कई बार मुझे फ़ोन भी आया और कहा कि अगर ये वीडियो लोगों के बीच जाता है तो वो मुझ पर FIR करेंगे, मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। ये आज के वक्त में ग्रामीण पत्रकारों की देश में स्थिति बन चुकी है कि जो ज़मीनी हकीकत पे जो काम नहीं हुआ है, जब वो लोगों के बीच आता है तो मानहानि के मुकदमे की धमकियां, FIR की धमकियां दी जाती हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही अगर आपके पंचायत में भी इस तरीके से कागज़ों पर सिर्फ काम हुआ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आप हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।